सो हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो गाइस, इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे बनाया जाता है तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना पड़ेगा और वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक बनने वाला है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे एडिटिंग वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि यहाँ से जाऊँगा मैं ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद मैं यहाँ से अपने एक पिक को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, इस पीएनजी को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और इसको ऐड करने के लिए ऐड करने के बाद इसको यहाँ से जूम कर दूँगा और इसको थोड़ा यहाँ से ऊपर कर दूँगा। इसके बाद करना क्या, आपको यहाँ से जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना, और इसके बाद जाना पड़ेगा यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में गाइस जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपने पिक को ऐड कर देना, और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद पिक को जूम कर लेता हूँ, और अपने मॉडल की पिक को यहाँ से जूम करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आना, ठीक है। और नीचे ले आने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद एक बैकग्राउंड टैप कर देना और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, और इसके बाद अपनी पिक को यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आपको पिक को अपनी ऐड करना पड़ेगा, एंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस पिक में बैकग्राउंड इरेज कर दिया पहले से ही। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना आता तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिए, तो मैं अगले टॉपिक इस वीडियो पर बनाऊंगा तो बैकग्राउंड कैसे इरेज किया जाता, ठीक है। इसके बाद ऊपर से मैं कर दूंगा डन। इसको डन करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा एयर फोटो के ऑप्शन पर, और यहाँ से मैं एक PNG को ऐड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये रे PNG, जो भी मैं PNG बैकग्राउंड वगैरह जो भी मैं ऐड करूँगा, इन सभी की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको डाउनलोड करके नीचे जाऊँगा, यहाँ पर लिखो ब्लेंड, इस पर आपको टैप कर देना और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना, ठीक है ना गाइस। स्क्रीन करने के बाद आप यहाँ से कर देना ओके, और ओके करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल अप जाऊँगा ड्रॉ के टूल्स पर, और ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ 3D क्लिक करके शो इमेज पर क्लिक कर देना। जैसे ये शो इमेज क्लिक किया, अपनी पिक यहाँ से हो जाएगी। एंड चलिए अब चलते हैं लाइट रूम के अंदर, वहाँ पर हम कलर एडिटिंग करेंगे। सो गाइस, फाइनली मैं लाइट रूम को ओपन कर दिया। इसके बाद जाऊँगा मैं ऑल फोटोज में, और ऑल फोटोज में जाने के बाद अपने पिक को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और अपने पिक पर मैंने क्लिक कर दिया, और अपनी पिक फाइनली लाइट रूम में ओपन हो गई है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ से जाऊँ टूल्स के अंदर, और कलर्स टूल के अंदर जाता हूँ, और इसके सेचुरेशन को यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड वाइब्रेंस को यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगा इस सन और आइकन के अंदर, और एक्सपोजर को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और हाईलाइट्स को यहाँ से थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जाता हूँ शेडो में, और शेडो को यहाँ से भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसके बाद इसको कर दूँगा डन, एंड डन करने के बाद फिर से जाऊँगा मैं इसे थर्मामीटर के अंदर, और मिक्स टूल में जाऊँगा ऊपर, और मिक्स टूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी हवी को यहाँ से थोड़ा छेड़ देता हूँ, एंड इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा सिंपल ही इस वाले टूल्स के अंदर, ठीक है। ब्लू टूल्स के अंदर जाता हूँ, एंड इसको यहाँ से मैं हवी को कम कर देता हूँ, एंड सेचुरेशन को यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और लुमिन्स को यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। इस तरीके करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इसको यहाँ से ऊपर से मैं करूँगा डन, एंड डन करने के बाद इसके मैं सेचुरेशन वगैरह थोड़ी सेटिंग देख लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। इतनी सेटिंग करने आप इसको कर देता हूँ डन, एंड यहाँ जाता हूँ क्लैरिटी के अंदर, ठीक है ना गाइस। तो क्लैरिटी के अंदर जाने के बाद आपको क्या नहीं, क्लैरिटी की थोड़ा सा छेड़ देना, एंड अबाउट यहाँ जाना डेज में, और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और विगनेट में जाता हूँ, और विगनेट में क्या होगा कि यहाँ से ऊपर से राउंड आएगा, राउंड में कर देता हूँ, और मिड पॉइंट जाता हूँ, मिड पॉइंट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और फेदर को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कम कर देता हूँ, और राउंड्स को यहाँ से थोड़ा सा राउंड भी बढ़ा देता हूँ। इसके बाद क्या करना, इसको कर देना डन, ठीक है। डन करने के बाद आपको क्या करना है, इस बार टूल्स के अंदर जाना, और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंड इसके बाद आपको यहाँ से नॉइस रेडिएशन में जाना है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना, इसके बाद जाता हूँ डिटेल्स में, और कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और कलर नॉइस रेडिएशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है गाइस।
इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ डिटेल्स में जाना, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ से स्मूथ जाता हूँ, स्मूथ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना गाइस, यहाँ से रेडियस को थोड़ा बढ़ा कर देखता हूँ, बहुत अच्छा। इसके बाद यहाँ शार्पिंग को मैं कम कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ। और देख सकते हैं आप, ये बेफोर और ये आफ्टर, पहले कुछ काम की पिक नहीं, कलर वगैरह नहीं था, नॉर्मल पिक थी, और अब कलर निकलने के बाद कितनी मस्त पिक बन चुकी है गाइस। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैं जाता हूँ सिंपल एक टूल्स है, इस टूल्स के अंदर जाता हूँ प्रोफाइल के अंदर एंड यहाँ से मैं एक कोई अगर कलर एक ऐड कर लेता हूँ। लेकिन गाइस और इसको मैं यहाँ से ऐड कर देख देता हूँ कि कितनी पिक अच्छी वगैरह बन रही है या नहीं। तो ये कलर मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसको कलर आर्टिस्ट 4 को मैंने ऐड कर दिया अब, और इसकी आर्टिस्ट को मैं देख सकता हूँ और यह बहुत ही मस्त कलर है। ठीक है गाइस, तो फाइनल इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ एंड ऐड करने के बाद आपको यहाँ ऊपर से करना डन। एंड डन करने के बाद आपको क्या करना, देख सकते हैं बेफोर कैसी पिक थी, कुछ काम की नहीं थी, अब कलर ड्रिंक करने की थी, अपनी मस्त पिक बन चुकी है फुल एच डी में और स्मूथ पिक हो चुकी है। पहले स्मूथ नहीं थी और अब स्मूथ पिक हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या, सेव करने की 3 डॉट क्लिक करना और यहाँ से सेव टू डेविस में और हाई क्वालिटी इसको सेव कर देना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले सभी एडिटिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।